हमने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है नोवा का ट्रिमर, तो आज इसे अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि इसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है, क्या क्या इसके फीचर्स है, स्पेसिफिकेशंस है, और साथ में ये इतना रीजनेबल प्राइस पे मिलता है। ये सारा कुछ इस आज के इस वीडियो में अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर में है। ये इनका है एक नया, अच्छा लगा मुझे देख के कि ये प्लास्टिक के जगह पे पेपर का यूज करते हैं, पेपर बैग्स का यूज कर रहे हैं। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है यहाँ पे नोवा का प्रोफेशनल ट्रिमर लिखा हुआ है। और इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे देखिए मॉडल नंबर, ब्रांड, कलर, सारा कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा में ऐसा कुछ वहाँ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कितना mm का जो भी इसका फॉर्म है, वो सारा कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। क्या इसका पोटेंशियल है, स्लाइड स्विच है या नहीं, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। 20 लॉक इन लेंथ इन सेटिंग है, ये सारा कुछ है। अब इस बॉक्स करते हैं, देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर में, नोवा ट्रिमर के इस बॉक्स के अंदर में क्या क्या दिया है इन्होंने। सो ये बॉक्स ओपन हो गया है और इसके अंदर में कुछ, छोड़िए फालतू, ये एक इन्होंने दिया है, ये है चार्जिंग केबल इनका। इसके अलावा में ये है और ये है एक्चुअल जो हम जिसके लिए देख रहे हैं, ये है नोवा का ट्रिमर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नोवा, यहाँ पे स्विचिंग अवेलेबल है, यहाँ भी स्विचेस अवेलेबल है जिसे स्लाइडर भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा में और क्या है बॉक्स में देखते हैं। इसके अलावा में इन्होंने एक दिया है, ये बुक है, इसके बारे में जो भी है स्पेसिफिकेशंस वगैरह है, जो इसे हम पढ़ सकते हैं कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, ये सारा कुछ है। इसके अलावा में अगर इस बॉक्स पे देखें तो ऐसा कुछ खास लिखा हुआ नहीं है, बस सिंपल सा लिखा हुआ है कि जो भी ये है, ये डायल है डिस्टेंस सेटिंग का और ऑन ऑफ स्विच है, LED डिस्प्ले, बेसिक डिटेल की अगर आप यूज़ करते हैं तो वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फीमेल प्लग है, यहाँ से चार्जिंग होगा, जैसा कि हमने चार्जर दिखाया था, ये चार्जर है और यहाँ से ये चार्जिंग होता है। इसके अलावा में बॉक्स में बैटरी के बारे में लिखा हुआ है, 800 mAh बैटरी है। स्लाइड स्विच भी अवेलेबल है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया था ये स्लाइड स्विच, तो ये स्लाइड स्विच भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा में भी जो भी चीज़ें हैं, और यहाँ पे इसकी एक सबसे ख़ास बात ये है कि ये किसी भी चीज़ से, कहने का मतलब है ये पावर बैंक हुआ, लैपटॉप हुआ, किसी भी चीज़ से ये आसानी से चार्ज हो सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए आप कहीं बाहर गए हैं, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप पावर बैंक से भी इसे चार्ज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसकी ये एक बहुत ही अच्छी और ख़ासियत थी जो मुझे पसंद आई। इसे चार्ज लगा के देख लेते हैं, ये फ़ोन का चार्जर है और कनेक्ट करने के बाद देखते हैं कि ये चार्ज पकड़ रहा है या नहीं। यहाँ पे देखिए ये चार्जिंग हो रहा है और ये चल भी रहा है, ये चार्जिंग भी हो रहा है। तो ये मोबाइल के चार्जर से भी चार्ज हो रहा है, आप पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप में भी कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। मात्र 800 mAh की बैटरी है, तो ये आसानी से किसी भी चीज़ों से चार्ज हो जाएगा, तो चार्जिंग के इशू आपको फेस नहीं करना होगा। और इसकी प्राइस जो पड़ी है हमें, 700 something rupees पड़ी है, तो ज़्यादा हाई प्राइस भी नहीं है, रीज़नेबल प्राइस है। और रीज़नेबल प्राइस में इतना प्रोडक्ट मिल जाना बहुत अच्छी बात है, ये हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा आपको, अगर आपको भी चाहिए तो आप भी ऑर्डर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।